हम जानते हैं कि मैग्नीशियम 282 को अक्रिय गैस विन्यास 28 प्राप्त करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होगा, लेकिन क्लोरीन परमाणु को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सोचिए, मैग्नीशियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉनों का समायोजन कैसे होगा। यहाँ क्लोरीन के दो परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं, अर्थात प्रत्येक क्लोरीन परमाणु मैग्नीशियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अक्रिय गैस विन्यास 288 प्राप्त करता है। यही कारण है कि यौगिक का सूत्र MgCl2 होता है। क्या आप मैग्नीशियम आयन पर उत्पन्न आवेश की संख्या बता सकते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बनने की बिंदु संरचना। आइए अब हम एक और यौगिक को देखें जो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताइए वे कैसे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेंगे। हमने देखा कि कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। इस प्रकार ऑक्सीजन कैल्शियम द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर आयनिक बंध बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम तथा ऑक्सीजन आयनों पर आवेश क्या होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बनने का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी तक हमने देखा कि तत्वों के आबंधन में एक परमाणु द्वारा एक या दो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तथा दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आइए अब एक और उदाहरण एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 13 तथा 17 है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा AlCl3 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एल्युमिनियम क्लोराइड बनने की बिंदु संरचना। हमने उदाहरणों में देखा कि बंध बनाने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वहीं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार दोनों के बाह्यतम कक्ष पे 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सोचिए, यदि सोडियम तथा ऑक्सीजन के मध्य आबंधन हो तो बनने वाले यौगिक सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? आयनिक बंध कैसे बनेगा? दिए गए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण दर्शाते हुए पूरा कीजिए। सोडियम ऑक्साइड बनने की बिंदु संरचना।